पता नहीं चलता है, क्योंकि अप्राकृत है, वो हमारा प्रत्यक्ष से बाहर है। प्रत्यक्ष मतलब जो पांच इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय के माध्यम से हमें पता लगते हैं, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो लेकिन तो भगवान का भक्त, भगवान का भक्ति, ये तीन चीज नित्य वस्तु है, अप्रकृत वस्तु है। ना तो भगवान, ना तो भगवान का भक्त, ना तो भगवान का भक्ति, इन पांच इंद्रियों के माध्यम से कर सकते नहीं तो पता लग सकते हैं। जितनी चीज इस जगत से अतीत है उस पार है। तो भगवान के बारे में, भगवान के भक्त का महिमा और भक्ति के बारे में कैसे पता लगेगा? फिर सिर्फ भक्त को पुकार, कथा सुनने से, भक्त को पुकार लेने से। इसलिए भागवत में कहते हैं, तस्मिन् महान् मुकरिता मनुभिः चरिता पीयूष शेष सरिता परिता श्रमन्ति तन्ना स्पृशन्ति अशनचित् तथाय पिबन्ति अवचिषो निपकार कर्णैः तन्नो स्पृशन्ति अशनचित् भयशोकमोह। भागवत ने यह कहते हैं कि क्या, तस्मिन् महान् मुकरिता मनुभिः चरिता, मधुसूदन भगवान का मधु चरित्र, तस्मी महान, महान वैष्णव मुखारविंद से निकलते है। कैसे? तस्मी महान मुखरिता मनोभिक चरित्र पीयूष शेष सरिता परिता शमन की, नारी जैसे बहित है, रुकता नहीं है, निरंतर सब समय उनका कथा निकलते मुख से। और ये करने। जो व्यक्ति उस कथा को सुनेंगे उत्साह के साथ, लालच के साथ, तो क्या, तन्नो स्पृशन्ति अशनचित् भयशोक मोह, उस व्यक्ति को कभी शोक, भय, मोह, चिच्चारी, अनर्थ और क्लेश कभी स्पर्श नहीं करेंगे। इसलिए वैष्णव को मुखार मिलने से, कथा सुनने से हमें पता लगता है कि भगवान कौन है, भगवान का भक्ति का महिमा क्या है, भक्ति क्या चीज होते है, ये सिर्फ कथा का माध्यम से होता है। इसलिए आज जैसे आविर्भाव व्यास पूजा तिथि, आज जैसे तिरुपा तिथि के दिन में, यदि हम श्री गुरु पारब्रह्म वैष्णव को गुणगान, हम महिमा जानना है और इस उत्सव को मनाना है, तो ये सिर्फ हरि कथा के माध्यम से हम कर सकते हैं, इसको और उपाय नहीं है। हमने माला पहनाया, ठीक है, हमने पुष्प फूल अर्पण किया, ठीक है, ये सब अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें कथा भी सुनना है, उनका गुणगान भी सुनना, महिमा सुनना है, तब कुछ भावना आएगा, तब कुछ संबंध जुड़ेगा। नहीं तो कितने कितना हजार संत है, कितने कितना वैष्णव है, तो क्या क्या वैशिष्ट्य है। जैसे उदाहरण है, आज जैसे सुंदर बंदरा चल रहा है, चप्पम भोग लगा हुआ, कौन सा आइटम में कौन सा स्वाद है वो कैसे पता लगेगा आपको? स्वाद करने से, उसका आधार सम्मान ग्रहण करने से आपको पता लगेगा। तो करेला सब्जी में क्या स्वाद है, साग में क्या स्वाद है, दाल में क्या है, चावल में क्या है, पुलाव में क्या है, गरम दूध में क्या होता है, चालन में, खीर में, कचौरी में, सबका अलग अलग वैशिष्ट्य का अलग अलग स्वाद है, लेकिन सब तो प्रसाद है ना। जिस प्रकार, इसी प्रकार अनेक अनेक वैष्णव है, सब वैष्णव कहते हैं, लेकिन किसमें क्या वैशिष्ट्य, क्या महिमा है, वो कैसे पता लगेगा आपको? जो जानते हैं वो आपको बता सकते हैं।
रे हरि कथा के माध्यम से हम जो हम गुरु वर्गों को मुखारविंद सुना जो शास्त्र कहते उस बात को सुनेंगे फिर हमें भी कुछ अनुभव अनुभूतियां मिलेगा कि वैष्णव कौन होते हैं, गुरु कौन होता है, उनका क्या वैशिष्ट्य, क्या महिमा है। तो हमारा गुरु पारवर माँ विष्णु वाशिष्य में भक्ति वरण नारायण गोस्वामी महाराज जी, वो तो नित्य सिद्ध ब्रजवासी थे। सारे जीवन उन्होंने इसी ब्रज मंदिर में बिताया, वास किया। कहा पे? मथुरा केशव जी गौड़िया मठ में। परम जब हमारे परम गुरु जी नित्यलाल मिश्र भक्ति प्रधान केशव गोस्वामी महाराज इंडिया में भारत में प्रचार करने लगे तो उन्होंने पहले मथुरा में आके मठ स्थापन किया। सबसे पहले मथुरा में सबसे पहले उन्होंने अपने विग्रह राधा विनोद बिहारी को स्थापना किया। राधा विनोद बिहारी को जो सफेद रंग का कृष्ण, उस इससे पहले भारत में सफेद रंग कृष्ण देखने को नहीं मिलते थे, सब कला कला कृष्ण ही मूर्ति स्थापन करते थे। लेकिन परम गुरु जी बोलते थे नहीं, सफेद ही रहेगा, क्योंकि कृष्ण जो राधा रानी जी विराह में सोचते सोचते उसने अपना रन हर के कृष्ण राधा रानी का कृष्ण का राधा रानी का अंग कांति स्वीकार कर लिया। राधा जी का विराह में कृष्ण सफेद हो गया, गोरा हो गया। उसी मथुरा उस केशव जी गोरेवार में उसने राधा विनोद बिहारी जी गिरिराज जी सब उधर महारूह का स्थापना किया। फिर परम गुरु जी हमारे गुरु जी को आदेश दिया यही मथुरा में वास करना है, यही ब्रज में वास करना है और यह इस मठ को देखभाल करना, यही भजन करना। जिस प्रकार महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी ने गिरिराज शिला और गुंजमाला दिया और रघुनाथ दास गोस्वामी को अधिकार दिया ब्रजवास करने का, इसी प्रकार परम गुरु जी भी गुरु जी को अधिकार दिया ब्रजवास करने का। क्योंकि परम गुरु जी जानते थे गुरु जी एक नित्य सिद्ध ब्रजवासी है और जिसको रूपानु का भजन रागानु का भजन करने है तो ब्रजवास करने ही पड़ेगा। यदि आप शरीर से नहीं कर सकते तो मन से तो करना, लेकिन एक समय एक दिन शरीर से भी यही वास करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि कृष्ण स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठा नीचे मिहितम तत्त कथा रता चासो कुरिया वासम ब्रजेश्वरा। ब्रज में वास करने से ही भगवान और उनके परिवारों का स्मरण होता है और यही करने से रागनों का सदन भजन होता है। रूप गोस्वामी ये बात बोले नाम रूप चरिता अनुरागी अनुरागी जनों का अनुगत लेके ब्रज में वास करो। तो इसलिए गुरुजी ने परम गुरु जी के आदेश से यही ब्रज में बैठ के भजन किया। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं गुरुदेव बड़ो कृपा करे गौरवान माज बद्रु में दिया चस्तान अज्ञ लीला मोरे ए ब्रज बसी हरि नाम करो गान। ये हमारा वैष्णव आचार्यों का उद्देश्य इसी ब्रज मंडल में भजन करना, यही ही सब कुछ सफलता होगा। इसी ब्रज में रूपनु का भजन होता है। तो गुरु जी ऐसे रूपनु का वैष्णव थे और अब हम गुरु जी का प्रिय परिकारों का और ये कृपा पात्रों का मुखारविंद से हम सुनेंगे हरि कथा। अंग्रेजी में हिंदी में होता रहेगा कुछ समझ आपकी मदद चाहिए। तो अभी
हमारा पुष्पांजलि होते रहेगा अभी, और फिर गुरुजी गुरुजी के वैशिष्ट्य बामन समय के वैशिष्ट्य सब सभी उनके मुखारविंद से सुनेंगे। किसी को कोई भी अपने स्टेज छोड़ने का अभिमान नहीं होता था, सब एक दूसरे को प्रणाम करके आदर देते थे। यद्यपि वामन महाराज जी सबसे पहले आए थे मठ में 9.5 साल की उम्र में, और 1930 में आया त्रिविक्रम महाराज जी 41 या 42 में, और गुरुदेव 1946 में, दिसंबर 1946 में। तो गुरुदेव का आविर्भाव बक्सर जिले में हुआ, तिवारी को
गांव में, और उनके माता पिता श्री संप्रदाय से दीक्षित, तो भक्त जन्म से ही परिवार में भक्ति का परिवेश था। और गुरुदेव तो इतने सिद्ध परिकर हैं, हम लोग जैसे पतित लोगों का उद्धार करने के लिए जगत में आए। थोड़े समय बाद ही, अभी जब वो नौकरी कर रहे थे पुलिस की, तभी श्री भक्ति सांसद कृपा के शिष्य नरोत्तमानंद जो भी भक्ति कंवर मधुसूदन महाराज हुए, वो और त्रिविक्रम महाराज जी की तब संन्यास नहीं लिया था, इससे प्रचार करने के लिए उधर आए थे। गुरुदेव ने उनसे भागवत सुनी और बड़ी जल्दी ही उससे प्रभावित होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। पहले राम भक्त थे और बचपन में ही गीता रामचरितमानस आदि सब पाठ करके कंठस्थ कर लिया था। तो जब ऐसे बढ़िया वैष्णवों का संग हुआ तो बड़ी शीघ्र उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और अपने परिवार को छोड़कर, माता पिता हैं, पत्नी भी थी, दो बच्ची थी, भाई बहन छोटे, सबको छोड़कर वो नवदीप आ गए, ट्रेन पकड़ी और नवदीप में लिए चले गए। इस बीच में उनका अपने गुरुदेव, मेरे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान किशोर गोसाई महाराज से पत्र लिख के सब बोलता था, संपर्क रहता था। परंतु जब घर छोड़ के गए तो उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा कि मैं आ रहा हूँ, किसी को नहीं बताया, और वो नवदीप कभी गए भी नहीं, पहली बार जा रहे, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, अपने जो कपड़े पहने हुए हैं दो वो और एक लोटा लेकर ट्रेन में बैठ के पहुंच गए। रात में 11 बजे करीब ट्रेन पहुंची, अंधकार, उस समय ऐसे लाइट्स तो होती नहीं थी, तो देखा कोई व्यक्ति एक लालटेन लेकर, तिवारी जी कहाँ है, तिवारी जी कहाँ है, कौन है तिवारी जी, कौन है। तो गुरुदेव तिवारी परिवार में जन्मे थे ना, तो इनका पहले नाम था गौर नारायण तिवारी, तो ये पत्र लिखते थे तो उसी नाम से लिखते थे परम गुरुदेव को, और उन्होंने गुरुदेव उनके पास आए, हाँ मैं तिवारी, तब उन्होंने परिचय दिया, मैं सज्जन सेवक हूँ, ब्रह्मचारी, गुरुदेव ने भेजा आपको लेने के लिए। तो गुरुदेव पूछने लगे, अरे मैंने तो कोई सूचना नहीं दी आने की, आप कैसे आए लेने, तुमको गुरुदेव ने आदेश दिया कि वो आ रहे ट्रेन से, उनको लेकर आओ। तो फिर गुरुदेव उनके साथ देवानंद गौड़िया मठ में चले गए, वहाँ उनकी सब रहने की व्यवस्था हुई, वहीं रहने लगे, सेवा करने लगे। और गुरुदेव कहते मैंने मान महाराज जी बड़ा स्नेह करते थे, सब प्रकार से मेरी सहायता करके उनके मठ में रहने के लिए स्थापित किया वहाँ पर, और त्रिविक्रम महाराज जी भी बहुत उनको शिक्षा देते थे, कीर्तन कैसे करना है, भिक्षा कैसे करनी है, कि तीनों में बहुत स्नेह, और तीनों का एक साथ ही संन्यास भी हुआ 1954 में, बात नहीं है। ये क्योंकि इस जगत के नहीं हैं, उसी जगत से आए हैं, इसलिए इनके हृदय में वो प्रेम सदा विराजमान रहता है, और सभी परिकर हैं राधा कृष्ण के, इसलिए उनके प्रेम होना स्वाभाविक बात है। और
कैसे भगवान के परिकर हैं, इनके अंदर भगवान की सुनिधि आ गई। जैसे कृष्ण सर्वज्ञ हैं, ऐसे ही उनके परिकर भी सर्वज्ञ होते हैं। एक बार गुरुदेव से प्रश्न किया था रामचंद्र प्रभु ने कि हम लोग भजन करते हैं, राधा कृष्ण का चिंतन करते हैं, गुरुदेव का चिंतन करते हैं, आप किसका चिंतन करते हैं? बोले मैं अपने सब शिष्यों का चिंतन करता हूं। तो बद्धजीव के लिए तो असंभव सी बात लगती है, हम तो एक ही किसी व्यक्ति का या दो चार का चिंतन कर सकते एक समय में, सबका तो नहीं कर सकते एक साथ। तो ये हमारे जैसे बद्धजीव नहीं है, मुक्त है, कृष्ण के ये परिकर है, इसलिए इनके अंदर भी ऐसी शक्ति और गुण है। तो इसके मुझे अपने जीवन की एक घटना बता सकते इसी से संबंधित है, वो सकता हूँ अपना अनुभव। तो गुरुदेव की महिमा, मैं गुरुदेव के पास आया था 1998 में अगस्त में, और फिर नवंबर में गुरुदेव ने कृपा करके मुझे शिष्य रूप में ग्रहण किया। उसके बाद मेरे ऐसे था कि संसार के कार्य में कंसल्टेंट था, उनकी फैक्ट्री कलकत्ता में थी, तो मुझे हर साल तीन चार बार कलकत्ता जाने का सुयोग मिलता रहता था। तो मैं ऐसा प्रोग्राम बनाता था कि कलकत्ता चला जाऊँ जब गौर पूर्णिमा आया था, तो हर साल कलकत्ता जाता था काम से और भाई से तब भी चला जाता था। 2004 में परिक्रमा नहीं हुई नवदीप में, पट नहीं था तब गोवर्धन में, और 2005 में जगह ले ली थी, एक मठ बनाया स्थान जो शिशि केशव जी को मठ। तो मैं कभी उसको देखा नहीं था, नया नया जगह ली थी, मैं गया भी नहीं नवदीप। तो गौर पूर्णिमा के समय जाने के लिए मैंने अपना ट्रेन से टिकट करा लिया था कि उस बार मेरा ऑफिस का कोई काम नहीं बन रहा था, मैं तो चलो पर्सनल। फिर एक दिन पहले जाने से मन में आ रहा था ऑफिस में बहुत काम है, क्योंकि हमारा वर्क प्रेशर होता था मार्च में, और उस समय ये गौर पूर्णिमा भी 27-28 मार्च की थी, और वैसे भी मैं आलस कर रहा था अपनी छुट्टी था, बड़ी गर्मी होगी, चलो इस बार नहीं जाता हूँ, जैसा नहीं ऐसा विचार कर रहा था मन में, गलत विचार आ रहे मायापति जी अनर्थ ग्रस्त। तो अभी शरीर में बल नहीं है तपस्या करने का, ऐसा मैं निश्चय करके कि अब टिकट कैंसिल करा दो, मैं सो गया रात में। सुबह सुबह लगभग ब्रह्म मुहूर्त के समय एक स्वप्न आया, स्वप्न देखा कि मैं गाड़ी से टैक्सी से नवदीप पहुंचा, टैक्सी से उतरा तो सामने से भक्त लोग कीर्तन करते आ रहे, श्रीधर महाराज जी के जाने कीर्तन, उनके साथ फिर वो मुझे साथ लेकर गए मठ में, वो सीढ़ियां उतरे मठ में लेकर गए। मठ में गया तो देखा गेट है, बड़ा सा दीवार है, और दाएं हाथ पे कभी टेम्परेरी मंदिर बना हुआ है, बाहर एक तख्त पड़ा है, गुरुदेव बैठे हैं उसके ऊपर। गुरुदेव को जाके प्रणाम किया, गुरुदेव के देव आ गया तू, तो यू आर कम, मैं गुरुदेव आपकी इच्छा से आ गया। मैं बोले सर मेरे को कहीं जाना है, एक टैक्सी लेकर आऊ। बाहर आया, थोड़ी देर घूमता रहा, देखा बाहर सड़क है, कच्ची सड़क है, अभी रोड़ी वोड़ी पड़ी है, मिट्टी है। तो थोड़ी देर में एक वाइट एम्बेसडर गाड़ी मिली, उनसे बात की, वो लेकर आया। मैं गुरुदेव आए, गाड़ी पे बैठ के चले गए, उसके बाद मेरी
नींद पूरी हो गई, आग सुन गई। मैंने कहा देखो स्वप्न में आ रहे हैं, कह रहे गुरुदेव नब्बी पाना चाहिए, जाना चाहिए। तो मैं ऑफिस गया सुबह, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे मालिक, उनसे बात की। मैंने कहा मुझे जाना है मायापुर, बोले जाइए। मैं सुधरा रही हूँ, बोले कि इतना काम में कैसे जाओगे, अभी तो बहुत काम है, अभी मैं बाद में चले जाना, सब कुछ कहेंगे। अरे नहीं जाओ जाओ, हमारे लिए भी प्रे करना। तो कैसे जा रहे हैं? मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। अरे कंपनी के डायरेक्टर हो, ट्रेन से जाओगे? आपका फ्लाइट की टिकट है ना? मैंने कहा है। तो क्यों नहीं जाते? मैं तो एक पर्सनल विजिट है। बोले कि आप तो ट्रेन से फ्लाइट से, तो सब सुविधा होगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फ्लाइट से आया, कलकत्ता से नवदीप पहुंचा काली में टैक्सी में, और टैक्सी से वहीं से उतर के मठ में गया, देखा और पतेला गुरुदेव उस घर में यहाँ रहे। अभी जब वहाँ गया गुरुदेव के पास तो अभी 12 बज गए थे करीब। मैंने गुरुदेव विश्राम में चले जाते, पर अभी दरवाज़ा खुला था। उनको प्रणाम किया, दर्शन किए, गुरुदेव बोलते आ गया तू, सेम वर्ड जैसे स्वप्न में कहा था। अब इसमें आश्चर्य की बात क्या है, देखो कि मैंने कभी मठ देखा नहीं था, और देख रहा हूं उतर के मठ से, जहां उतरा गाड़ी से, वो अपना जगाई बधाई पुल के बाद सीढ़ियों से नीचे आते हैं ना, वहीं पर गाड़ी रुकी थी, वही सीढ़ियां उतरा जो स्वप्न में देखी थी, एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही, और अपने आप चल के आ गया कि रास्ता दिख रहा है। जैसे देखा वही अपनी मठ का वॉल, बाउंड्री वॉल है, बड़ा गेट है, वहां से देखा राइट में ही मंदिर है, तख्त भी पड़ा, पर गुरु जी वहां नहीं थे। अब बाहर की रोड में थोड़ी दो चार स्टॉल लगे, अंदर भी जो स्वप्न में देखा था तो खाली फील्ड था, अब वहां टेंट लगे थे, बस इतना ही देखते। देखो मैं आश्चर्यचकित हुआ, अभी तो मैं नया नया गुरु जी के पास आया, कोई भजन नहीं है, साधन नहीं है, और गुरुदेव मेरा स्मरण कर रहे हो वहां पर, उनको पता है कि मैं नहीं आ रहा हूं, आ सकता हूं और नहीं आ रहा। और कैसे देखो स्वप्न के द्वारा बुला लिया, तो ये मेरे साथ ऐसी घटना है। और आज भी आपसे वर्णन कर रहा हूं ना, तो वो सारा दृश्य आंखों के सामने आ रहा है। हम स्वप्न भूल जाते हैं, पर ना उस स्वप्न को कभी भी भूल नहीं पाए, एक एक डिटेल याद है। फिर गुरुदेव ऐसे हैं कि हम सब शिष्यों के ऊपर वो कृपा करते, सबका चिंतन करते हैं। कोई छोटे से अभी छोटा नया आया हो, भजन भी नहीं करता हो, और कोई बहुत भजन करता, सेवा करता है, सबके लिए गुरुदेव को चिंता रहती है, और एक साथ चिंतन कर सकते हैं। ये मुझे उस दिन विश्वास हो गया, तो नवदीप में बैठे हुए और मैं यहाँ हूँ, और मुझे कैसे बुला रहे, तो मेरा चिंतन तो कर रहे हैं। तो ऐसे दयालु हैं हमारे सबसे कृपा करने वाले। हम गुरुदेव से कहते हुए जिसने मेरा आश्रय ले लिया है, मेरी शरण में आ गया है, उसको मैं संसार से निकाल के राधा जी के चरणों में सेवा में अर्पित करूंगा, यही मेरी राधा जी की सेवा है, ये उनकी प्रतिज्ञा है। तो बस इस बात से हमको आश्वासन है, वैसे तो कोई गुण नहीं है, योग्यता नहीं है, भजन तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्य ही स्थिर नहीं है। अभी तो जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हैं, ये चाहिए, ये करना है, ये काम करना, वो काम करना, एक लक्ष्य भी स्थिर नहीं हुआ। फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में गुरुदेव की कृपा से भजन में लग जाएंगे, ये विश्वास है। उनकी कृपा के ऊपर, उनके प्रेम के प्रीति के ऊपर पूरा विश्वास है मेरा। मैं चाहे संपूर्णता अयोग्य हूँ, फिर भी वो ऐसे अहेतु कृपालु हैं महाप्रभु के परिकर, इसलिए वो हमारी कोई योग्यता नहीं देखते हैं। योग्यता बिचारे किछु नाहीं पाए, कुमार करुणा सा, करुणा न है ले आदिया काम दिया प्राण बना। गुरुदेव
कुछ अधम योग्य अपने चरणों में ही रखना, और ऐसे कृपा करते कभी कभी किसी समय इस योग्य भी बना देना, भजन कर सकते कहते बलदेव के चरण कमलों में मैं ऐसी जो छोटी पुष्पांजलि दे रहा हूँ और उनकी है तो कृपा की वांछा करता हूँ। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।